हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विथ मंगल महरौर सिंह हु इज द क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेटर इन गया सिटी एंड मे बी यू ऑल नो फ्रॉम गया, इफ यू आर इन गया सो मे बी यू ऑल नो एंड नाउ आई एम कंडक्टिंग इंटरव्यू विथ मंगल महरौर सिंह. इट्स ड्यू टू आई एम जस्ट एक्सपोजिंग प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म, लाइक यू आर जस्ट बिलीविंग इन इंजीनियरिंग डॉक्टर and somehow IAS, but I am here to show you one great cricketer from your city. So basically Shan Ali Khan mera naam hua sir, aur aap jab education ki baat ki jaye aapse, yani ki aap as a cricketer hain aur aapko bhi bahut sare family members force kiye honge ki aap engineer ya doctor ban jao, cricketer mein kuch nahi rakha hua, to aap us waqt kaisa react kar rahe the sir? मैं जब छोटा था तो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ. मैं जब छोटा था तो मेरे मम्मी पापा हमको कभी फोर्स नहीं किए पढ़ने के लिए, वो हमको हमेशा सपोर्ट किए खेलने के लिए भी. मेरे घर में कोई बॉन्डिंग नहीं था कि तुमको सिर्फ पढ़ना है, वो मुझे खेलने के लिए पूरा आज़ादी दी है, काफ़ी सपोर्ट किए. जो भी मतलब अभी मैं जिस जगह पर भी उन लोग की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट के लिए मना नहीं हुआ. आज के जनरेशन में सारे लोग जैसे देखते हैं कि मेरे बेटा हुआ है, बेटी कुछ भी हुए हैं, तो वो लोग देखते हैं कि मेरे बेटे ने इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने. लेकिन ये इसमें होना चाहिए कि बच्चे पे डिपेंड कर देना चाहिए, ताकि वो पूरे आज़ादी से मन लगा के जो भी जो चीज़ वो करना चाहता है दिल से करे. और आज के दिन में सारे फील्ड में सब कुछ है, सबके पास सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ है. जैसे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा फील्ड है कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तरह से सब कुछ है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर डॉक्टर बन के ही पैसा कमाए या नाम कमाए, अपना जिंदगी अच्छा कर सके. स्पोर्ट्स में भी काफ़ी स्कोप है. आप जो काम कर रहे हैं सर एज अ क्रिकेटर, आप खेलने का काम करते हैं, तो इसमें भी क्या आप लोगों को पैसा मिलता है या नहीं? जैसे मैं पैसा तो मिलता है, बोर्ड का मैच, स्टेट लेवल का मैच खेलोगे आप BCCI का, तो पैसे तो मिलते हैं. जैसे मेरा स्पोर्ट्स से जॉब भी है रेलवे में, तो मेरा स्पोर्ट्स कोटा से ही जॉब लगा है. और आज के डेट में बिहार रणजी ट्रॉफी को मान्यता मिला हुआ है पिछले 2 साल से, तो बिहार रणजी ट्रॉफी खेलती है, तो उसमें जो प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेलते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं. 19 एज ग्रुप, 16 एज ग्रुप, 23 एज ग्रुप, सारे में पैसे मिलते हैं, काफ़ी स्कोप है क्रिकेट में. बहुत सारे पेरेंट्स का बिलीव रहता है कि क्रिकेटर बहुत मतलब क्रिकेट जो है हाई लेवल पे इंडिया में जा चुका है, वहाँ पे स्कोप नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर बड़े बड़े जगहों से आ रहे हैं. लेकिन हम लोग देख रहे हैं गया जैसे जगह से भी, रांची जैसे जगह से, महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए, तो आप क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स को, जो बच्चे कुछ पेरेंट्स हैं जो कि आपके पास भी कोचिंग लेने के लिए भेजते होंगे, और बाकी पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो डरते हैं कि नहीं भेजे मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा क्रिकेट नहीं आएगा तो? जैसे क्रिकेट में क्रिकेट तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है, सबको पता है. और IPL के आने की वजह से क्रिकेट में काफ़ी स्कोप बढ़ चुका है. पहले IPL नहीं था तो इतना स्कोप नहीं था, इतना मतलब सब कुछ नहीं था क्रिकेट में. लेकिन IPL जब से आया है तो क्रिकेट में भी अब बहुत अच्छा फ्यूचर है, चांस ज़्यादा मिलता है प्लेयर लोग को. और आदमी अगर रणजी ट्रॉफी भी अगर खेलते हैं तो उससे काफ़ी तरह का उसका रास्ता खुल सकता है, अच्छा जॉब मिलता है, IPL खेल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें जो पा सकते हैं क्रिकेट से भी. IPL, रणजी ट्रॉफी और नेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा भी कोई ऐसा क्रिकेट चलता है जैसे गया लेवल की बात की जाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल की? हाँ, तो सारे में चैनल बाय चैनल सिलेक्शन होता है ना. जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट का लीग होता है, डिस्ट्रिक्ट लीग में जो आप अच्छा खेलते हो तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन होगा. आप डिस्ट्रिक्ट में जो पूरे बिहार में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपस में मैच होते हैं, जो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है फिर उससे स्टेट के टीम में जाता है. इसी चैनल प्रॉपर चैनल बना हुआ है नीचे से. चलिए शुक्रिया सर. हमारे व्यूवर्स के लिए जो हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अंततः आप क्या कहना चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप करें, इंजीनियर डॉक्टर या किसी खास तो चीज से तैयार बच्चे को नहीं करे, बच्चा खुद अपने आप को तैयार करे, हमको किसी भी जाना उनके लिए दोस्त सब सर. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चे जो हैं जो भी फील्ड चूज करे अपने दिल से मतलब पूरे लगन के साथ उसमें मेहनत करे. आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, बाकी आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स में भी आप जाओगे तो आपको दिल से जुनून से अगर मेहनत करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हो. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एंड हियर आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द इंटरव्यू. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस.